जय हिंद। बिहार फिजिकल एकेडमी से मैं अभय सौरभ निरसर आप तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। जैसे कि अभी आज लास्ट दिन है, 1275 दरोगा का जो चल रहा था फिजिकल, उसका आज लास्ट दिन, और लास्ट दिन भी अच्छा खासा लोग निकाला है। और सबसे दुख की बात है कि जो लड़की यहाँ करती थी और वहाँ नहीं हो पाया, उसके लिए मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ हूँ नहीं। वो लोग भी इतना मेहनत करते थे जैसे ये लोग मेहनत किया, सेम वैसे ही वो भी मेहनत किया, और क्या वहाँ दिक्कत हुआ, क्या कठिनाई हुआ जिसके चलते उसका नहीं हुआ, इसके चलते मैं भी दुखी हूँ और हमारे जो भी प्रशिक्षक है वो सब कोई दुखी है। तमाम यहाँ के जो छात्राएं थी वो सब भी बोल रहे थे कि नहीं, उन लोग का होना चाहिए, वो लोग बेहतर कर रही थी, लेकिन जो विधि का विधान होगा वही होगा। हम और आप एक तो मार्गदर्शक है बताने का, सिखाने का, जो भी होगा वो तो हम लोग कर चुके, यहाँ से भेजे थे। 100% रिजल्ट के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, अपेक्षा था हमारा कि रिजल्ट आएगा, लेकिन जब वो छाटी तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। लेकिन ये तमाम लोग निकाले हैं, इनके लिए मेरे तरफ से और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं इन्हीं से यहाँ का जरिया कैसा था और वहाँ का जरिया कैसा था, क्योंकि ये लोग मेहनत इतना करके गए थे कि वहाँ इन लोग के मेरे ख्याल से बहुत ही आसान ही लगता होगा। आइए जानते हैं सबसे कैसा था आपका, मतलब यहाँ तो आप पूर्ववर्ती भी रही थी और अभी का जो जर्नी था, हम लोग जो एक्सरसाइज कराए, रनिंग कराए, हाई जंप कराए, लॉन्ग जंप कराए, इसमें आपको यहाँ की अपेक्षा वहाँ कैसा रहा? भैया यहाँ आप जो लॉन्ग जंप करवाए थे 10 फीट 11 फीट लगा के करवा देते थे हमको, वहाँ इतना यहाँ अनुभव हो गया था कि लग रहा था 5-6 फीट एकदम आसानी से हो गया। हाई जंप भी मेरा एक ही बार में हुआ और समय रनिंग का भी बहुत कम समय गया है, बहुत अच्छा लगा। हम लास्ट में पूछे हैं तो बोले कि बहुत अच्छा मारी हो, फिर लास्ट में बताया 4:38 से लगा है तुम्हारा। तब मेरे साथ क्यों है तो हमको लगता है 4:30 में उठी है, वो तो मेरे से आगे ही थे ये। अच्छा, जैसे मान ली हम लोग यहाँ मेहनत करा रहे थे लॉन्ग जंप पे, आपको बता रहे थे, वहाँ लॉन्ग जंप पे सुने थे आज बहुत लोग लो छाटा था, क्या कोई इशू था कि जो यहाँ हम लोग करते थे उससे ईजी था? ईजी था, लेकिन वो उस समय हम लोग के समय केस द्विवेदी सर आए हुए थे तो वो थोड़ा सा इधर का उधर का फॉल देख रहे थे, फिर भी हम लोग अच्छा किए, सबका हो गया क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस अच्छा हुआ। आइए इनसे जानते हैं आपका कैसा रहा जर्नी? बहुत अच्छा जर्नी था, जैसा प्रैक्टिस करवाए थे वहाँ से बहुत आसान लगा था। जैसे आप वहाँ रनिंग तो आपका बेहतर था ही, हाई जंप भी बेहतर था, लॉन्ग जंप में कैसा रहा? एक बार में ही हो गया सब कुछ, एक एक बार। जो मतलब बोल रहा था बहुत लोग लॉन्ग जंप का थोड़ा इशू चल रहा था, बहुत ध्यान दे रहे थे वहाँ, लेकिन मतलब आज लास्ट दिन था, ज्यादा लगता था, बहुत ज्यादा थोड़ा भी चूना उड़ रहा था तो फिर गद्दा, और जो गद्दा के थी था वो कुछ था का गद्दा पूरी तरह का पाया पास नहीं, ये अभिन गर्दनी बाग से तुरंत ही पहुंची है, ये दोनों आदमी तुरंत पहुंचे हैं वहां से, भागते भागते आए हैं। इनको सबसे पहले तो मैं इनको बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो गर्दनी बाग से दौड़ते हुए यहां तक ये लोग पहुंचा, नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं भैया हम आ रहे हैं, यानी कि ये मेहनत का यही देखिए सबसे बड़ी बात कि अगर मेहनत अच्छे से किया जाए तो परिणाम ही बेहतर होता है। तो आप लोग भी मेहनत बहुत अच्छा किए हैं, इस उम्मीद था हमको कि आप लोगों का रिजल्ट होगा। कैसा रहा यहाँ से वहाँ का? भैया यहाँ पे जितना आप हम लोगों को करा दिए हुए हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है, वहाँ जाते ही सब कुछ एक एक बार में हो गया। रनिंग हम लोग के साथ क्या हुआ तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर दिए, स्टार्टिंग में क्या किया कि हम लोग का रिजेक्शन था, वो कैंडिडेट होते हैं वहाँ पे बुला लिया गया तो हम लोग डर गए थे, लेकिन फिर भी मन में था कि कॉन्फिडेंस था कि भैया इतना बार ट्रायल मरवाए हैं तो अब 5:30 के अंदर आ गए हैं हम लोग। तो फिर वो लोग बोले कि नहीं नहीं प्रैंक था तुम लोगों के साथ, बस ऐसे ही नर्वस कर रहे थे तुम लोगों को, फिर सारा माहौल ठीक हो गया, बाकी उसके बाद लॉन्ग जंप हाई जंप सभी ही हुआ। आपका क्या कैसा रहा? आप तो बोल रही थी कि होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, मैं यहाँ पे बहुत डर रही थी क्योंकि मेरा रनिंग यहाँ बहुत ख़राब था, स्टार्टिंग में मैं 200 मीटर भी नहीं दौड़ पाती थी, लेकिन सर का विश्वास था और सर बोलते थे कि तुम्हारा एक एक बार में हर चीज़ हो जाएगा, एंड आज मेरा सच में एक एक बार में हर चीज़ निकल गया। और सर यहाँ बहुत अच्छे से मेहनत करवाते हैं और सब कुछ करवा के क्लियर करवा के देते। लॉन्ग जंप में कैसा, एक बार मार दी ना? हाँ, एक एक बार में हो गया सर। यहाँ तो 2 दिन पहले तुम 5 बार मारी थी तो बोल देती भैया होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, वहाँ पे ना थोड़ा सा भी चूना में टच हो रहा था ना तो डिस्क्वालीफाई कर रहे थे, तो वही मुझे और डर लग रहा था, लेकिन एक बार में मेरा हो गया। यहाँ पे इतना जो कर रहे थे ना 11 फीट तक, तो वहाँ पे 9 फीट बहुत कम लग रहा था। आपका क्या कैसा रहा? जैसे आप जो पर आपका तबीयत ही खराब था बीच में, आप बोले कि नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा, फिर भी आपको मोटिवेट किए, जो भी बोले कि नहीं आप जाइए आपका हो जाएगा बेहतर रहेगा। वही भैया लास्ट 17 तारीख को आए थे तो मेरा पूरा अंदर से हम पूरा ये हो गया था, डर गए थे कि नहीं होगा, लेकिन वहाँ गए लास्ट में थोड़ा सा लास्ट राउंड में हुआ दिक्कत, बट हम 5:05 में आ गए, हमको उम्मीद नहीं था, हम सोचे थे कैसे करके 4:50 तक आ जाएँ, लेकिन 5:05
पाँच महा गए हम दौड़ते समय समझ में नहीं आया कि हम फास्ट दौड़ रहे हैं। हाँ, कुछ भी नहीं, बस दौड़ जाना है, हम सोचे दौड़ जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा बाद में। और हाई जंप तो क्या, हाई जंप एक बार में क्लियर कर, लॉन्ग जंप में हम दो बार आ गए क्योंकि थोड़ा सा चुना वो टच हो गया था, तो हमको बोले फिर से आइए क्योंकि बहुत ज़्यादा आज फॉल नोटिस हो रहा था वहाँ, क्योंकि ज़्यादा लोग पास कर गया, इसलिए हमको लग रहा है कि थोड़ा सा आज टाइट किया गया था। आपका जैसे यहाँ का कैसा रहा, आप यहाँ दौड़ती थी सब कुछ था, वहाँ जब गए रनिंग की, हाई जंप की, लॉन्ग जंप की, ये सब कैसा था? जैसे यहाँ हम लोग हाई जंप कराते थे तो बोलते थे कि इतना ही रहेगा, ऐसे नीचे रहेगा। रनिंग तो मेरा पास में ही हो गया था, यहाँ हमेशा लगता था 5:20-15 ऐसे, वहाँ बहुत जल्दी हो गया था। और हाई जंप का, हाई जंप भी अच्छा था, लॉन्ग जंप एक बार में हो गया था, हाई जंप में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, मतलब एक बार में डंडा गिर गया था, दूसरी बार में। अच्छा, जैसे हम यहाँ हाई जंप करा रहे थे, आप सभी लोग थे, तो यहाँ हाई जंप हम करा रहे थे तो हम बोल रहे थे कि नहीं इससे यहाँ थोड़ा सा डाउन रहेगा, तो ऐसा वहाँ डाउन था या सेम था? वैसा हमको ठीक लगा, बीच में एक जगह थोड़ा सा डाउन था और एक पूरा स्ट्रेट था। आप तो उतना कॉन्फिडेंस यहाँ से था कि एक बार में मार देते, बाकी कैसा रहा जैसे वहाँ से जंप किए, सरफेस वगैरह कैसा? सब कुछ एक बार में हो गया, हम लोग का वो मतलब वो जो बार बार वो टेक्निकल वो जो फॉल्ट देख रहे थे, उधर का भी देख रहे थे, इधर का भी देख रहे थे, तो हम लोग में इतना आ गया था, वो एक्सपीरियंस हो गया था सारा, तो सब कुछ एक बार में हो गया था। बाकी सारी लड़कियाँ बहुत डर रही थी और वहाँ माहौल भी बहुत डर का था कि लॉन्ग जंप में छाट रहे तो कहीं हम लोग भी ना छट जाए, लेकिन हम लोग का कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ से भी लड़की बहुत सारे गए थे और बहुत जगह से के भी लड़की भी आई होगी, तो उसमें आप लोगों को कैसा लग रहा था? मतलब हाँ। होता है ना कि नहीं, ये बोलने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हम 10 फीट मारते हैं, 11 फीट मारते हैं, हम एक बार मारते हैं, जैसे आप लोग भी किए तो लोगों को भी लगा होगा ये लोग भी कहीं से आई है, तो ये कैसा अनुभव था? हम लोग को था ये कॉन्फिडेंस था हम लोग में खुद में ही कि हम लोग का हो जाएगा, और बहुत सारी लड़कियां पूछ भी रही थी कि आप लोग कहां ट्रेनिंग किए आप लोग, तो हम लोग बोले गेट नंबर 5 बिहार फिर क्योंकि हम लोग का यार स्टार्टिंग में डीवाईएसपी रैंक के जो होते हैं, तो हम लोग गेट नंबर 5 ये तो बोले ही रनिंग बहुत अच्छा रहा, तो सारे एक वहां पे थोड़ा इंप्रेशन टाइप का बन गया कि अच्छा इन लोगों से पूछते हैं, तो सारी पूछ रही थी कि कहां, क्योंकि हम लोग ग्रुपिंग में थे और सब एक दूसरे का सपोर्ट कर करके सब बोल रहे थे, मतलब जितना लोग दौड़ा सब कुछ 5 के समथिंग में था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम यही आशा उम्मीद करेंगे कि जितने अभ्यर्थी अभी तक पास हुए हैं, चाहे जो भी कहीं से भी हो, जो मेहनत किया है वहीं वहां तक पहुंचा है, और मेहनत का परिणाम है कि आज ये लोग हमारे पीछे जो इतना अभ्यर्थी दिख रहे हैं ये सब लोग सफल हैं, और आने वाला समय में हम यही दुआ देंगे और यही आशीर्वाद देंगे, ऊपर वाला से भी आशीर्वाद यही रहेगा, प्रार्थना रहेगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो पास किए हैं वो सबका कहीं ना कहीं आने वाला समय में जो मेरिट आ रहा है उसमें ही लोग का नाम हो, यही हमारा एकेडमी के और मेरा यही मेहनत करने का एक जरिया है। मेहनत ये लोग बहुत अच्छा सा मेहनत किया, कुछ लोग छटा है तो माइक्रोसेकेंड से बहुत सारे लोग भी छटा है लड़का लोग में, और इन लोग में हाई जंप में छटे हैं, उनके लिए भी खेद है, लेकिन हम आगामी जो भी वैकेंसी होगा उनमें उस सब के साथ कदम से कदम मिला के हम चलेंगे, लेकिन ये विश्वास जगाना होगा कि आपको फिर से पढ़ाई पर लगना, हताश नहीं होना है, आप में वो जोश जुनून क्षमता है कि आप वो क्वालिफाई कर सकते हैं, तभी आप इतना 5 लाख अभ्यर्थियों के छाँट कर वहाँ तक पहुँचे थे, और खुदा न खास्ते कहीं मिस्टेक हो गया है जिसके चलते आप बाहर हुए हैं, उन तमाम अभ्यर्थियों से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो बाहर हुए हैं वो अपना पढ़ाई के क्रम, एक दो दिन रहता है कि आदमी घबरा जाता है कि सब कोई मेहनत किया सब कोई निकल गया, हम नहीं निकले, लेकिन आने वाला समय में आप मेहनत कीजिए, आप उस मुकाम तक चले जाइएगा, ये मेरा आशीर्वाद रहेगा, और आप जितना मेहनत यहाँ ग्राउंड पर करते थे मुझे उम्मीद था कि आप लोग निकालिएगा, लेकिन मैं भी दुखी हूँ, आप लोग भी दुखी हैं, लेकिन तमाम जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आने वाला समय में आप कहीं ना कहीं वर्दी में हमें दिखे। भारत माता की जय। जय हिंद।